हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज संडे है, आदि मेरे को हेल्प कर रहा है शूट करने में, क्योंकि मैंने अपना हुलिया नहीं सुधारा है, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने देखा था ना कल के व्लॉग में, तो कल आपने देखा था ये सूजी दही सब भिगा दी थी लेकिन बना नहीं पाई थी क्योंकि चक्कर आ रहा था लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो आज इसका सारा तैयारी करने के लिए निकाली हूँ, लेकिन वो भी शॉर्टकट में क्योंकि तबीयत उतनी भी ठीक नहीं है। तो ये देखिए, ये जो साउथ इंडियन चटनी मैं बोल रही थी बनाऊंगी, इसमें सफ़ेद तिल है, मूंगफली है, प्याज, टमाटर, लहसुन, करी पत्ता, मिर्च, सांभर मसाला, ये सारी चीज़ों को भून के रखी हूँ। थोड़ा सा ठंडा होगा तो पेस्ट बनाने से चटनी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सांभर के लिए यहाँ अरहर की दाल उबालने के लिए रख दी हूँ, बस हो ही गया है समझिए। ज़रा सा दाल पका रही हूँ क्योंकि एकदम पतला पतला सांभर बनाना है, तो बस पानी जैसा ही रहेगा। और ये है सांभर का मसाला विदाउट एनी वेजिटेबल्स, कोई वेजिटेबल नहीं है, बस प्याज, टमाटर, करी पत्ता। एकदम बोली ना शॉर्टकट में काम कर रही हूँ, तो बस यही है। और ये जो रहा, इसको मैं सोची थी ना उत्तपम बनाऊँगी, तो अभी उत्तपम बनाने में समय लगेगा, तो मैंने शॉर्टकट का एक तरीका निकाला है। ये देखिए, केक का एक टिन निकाली हूँ बड़े साइज का, जो इसमें फिट आ जाए मेरे मोमों के बर्तन में। इसमें स्टीम होगा, ये देखिए एक तरफ पानी, और इसमें डाल के रख दूँगी इस बैटर को स्टीम होने के लिए। तो जैसे इडली हम लोग छोटा छोटा स्टीम करके बनाते हैं ना इडली के बर्तन में, इडली के सांचे में, तो वही एक बार में पूरा इतना बड़ा बनेगा। पूरा तो नहीं होगा, दो बार शायद बनाना पड़े, तो बस वैसे करके करूँगी, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में छुरी से काट दूंगी, क्योंकि गेस्ट वेस्ट तो आने वाले नहीं है। शेप से क्या मतलब है, इडली तो इडली है, चाहे इतना बड़ा सा इडली क्यों ना बन जाए, लेकिन शॉर्टकट में जल्दी काम हो जाएगा। बस यही लगाई हूँ आइडिया, और उसी की तैयारी है। अब बस ये जो घोल है इसमें इनो डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्टीमर को पहले मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और उससे पहले क्या करते हैं, ये जो है मसाला रेडी हुआ है, इसको डाल देते हैं सांभर में, और साथ में थोड़ा और पानी डालेंगे, तो ये आपस में पकते रहेगा। इसमें थोड़ा और लाके पानी अभी डाल दूंगी, पूरा भर के बना दूंगी सांभर। तो सांभर में पानी डाल दी हूँ, इसको मैं एक तरफ रख दे रही हूँ, बॉयल होते रहेगा पानी, झटपट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि कम ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और ये बस बॉयल होने लगेगा, सांभर भी रेडी, सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ, चटनी को भी बस पेस्ट बनाना है। और रहा इस बैटर का बात, तो इसमें अब डाल लेते हैं इनो। अच्छा हाँ, इससे भी पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ही कर लूँ, कहीं चिपक गया तो वो भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हालांकि चिपकेगा नहीं, इनो डाल रहे हैं ना, वो आराम से निकलेगा। आदि को बुला लिए ताकि थोड़ा कर दे, क्योंकि ये सब ना बड़ा मुझे दिक्कत होता है, ट्राइपॉड बार बार चेंज करो, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, काम के समय में अच्छा नहीं लगता हमको, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना शॉर्टकट में मेरा काम हो खाना बनाने के समय, चाहती तो रेसिपी भी शूट करती लेकिन नहीं की, वही है ना कि देर होने लगता है, इसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह का काम भी रहता है घर का। तो एनीवेज, अब इस घोल में इनो डालेंगे और इसके बाद इसको इस केक टिन में डाल देंगे, देखिए कितना उसमें आएगा, बाकी जो है वो सेकेंड टिप में बनेगा। तो इतना ज़्यादा है ना सूजी भी, तो मैं दो पैकेट डालूंगी इनो। इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, बहुत तरह से बनता है एक्चुअली। एक तो इडली का, रवा इडली का मेरे चैनल पे आपको रेसिपी मिलेगा, उसमें इस बैटर में तड़का लगा के बनता है। वो रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल में देख लीजिएगा, कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़, उसमें आपको मिल जाएगा इडली, वो भी ना आइसक्रीम शेप में बनाई थी इडली, काफ़ी अच्छी रेसिपी है, तो आपको चाहिए तो आप उसमें देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें कैसे बबल्स बनने लग गए हैं, लेकिन इसको खूब अच्छे से फेंट लूँगी ताकि नीचे तक चले जाए इनो, वरना आधा अधूरा इनो गया ना तो ठीक से
इडली जो है सॉफ्ट नहीं होगा। हो गया, मुझे लगता है आधा घोल आएगा इस केक टिन में, तो आधा आधा करके दो बार शायद बनेगा, देखूं। ना ना पूरा भरना नहीं है ना, उसको जगह चाहिए फूलने के लिए भी। इतना रहने दो, एक बार छोटा टिन में डाल देंगे। सांभर में बॉयल होने लग गया है, देखिए सांभर मेरा तैयार। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ऑलरेडी, लेकिन वेजीज कुछ नहीं डाली क्योंकि मुझे जल्दी काम करके निकलना है किचन से, तबीयत ठीक है नहीं। और ये बैटर बना चुकी थी तो वो वेस्ट ना हो जाए, इसी वजह से तबीयत खराब लेके भी मैं आज काम में लग गई हूँ। निकालने के टाइम मुश्किल होगा जब गर्म रहेगा, कोई नहीं। अब इसको स्टीम होने देते हैं और बाकी जो बचा है इसको एक और छोटे कंटेनर में कर लेते हैं केक टिन में। केक तो मैं बनाती हूँ आप लोगों को पता ही होगा, तो बस केक टिन मेरे पास हर शेप की हर साइज की है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि मेरे केक बेकिंग का चैनल है जो, उसका नाम है सारिका की पाकशाला, तो वहाँ पे आपको केक की रेसिपीज़ मिल जाएगी। कुकिंग चैनल अलग है, केक वाला चैनल अलग है। कुकिंग चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़ और केक वाले चैनल का नाम है सारिका की पाकशाला। तो चलिए काम आगे बढ़ाऊँ, इसके बाद ये स्टीम हो जाए तब आपको दिखाती हूँ क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट टाइम की हूँ, शॉर्टकट में काम क्या होगा मुझे भी नहीं पता, देखा जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक इडली स्टीम हो रहा है तब तक मैंने चटनी भी पीस के तैयार कर लिया। बहुत अच्छी चटनी बनती है, इसकी रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पे मिलेगी आपको, चाहिए तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और इसके अलावा सांभर तो रेडी है ही, और वो बड़ा वाला टिन ना मुझे बड़ा लग रहा था तो एक और उससे भी छोटा वाला टिन निकाली। ये सब गंदा मत समझिएगा फ्रेंड्स, कॉर्नर ये सब ना जल जाता है ना, बहुत सालों से ये सब में बन रहा है केक वगैरह, तो उसी लिए ऐसा दिख रहा है। नया नया बर्तन तो है नहीं, कई सालों से केक बेकिंग का काम होता है तो यूज़ होते होते ऐसा हो ही जाता है। तो इसको भी अब डाल लूँ, और फिर जाके जो रखी हूँ इडली को होने के लिए उसका हाल भी देखूंगी। ये देखिए अब आधी भग गया, अब एक हाथ में फ़ोन हो गया तो इसको कैसे मैं क्या करूँ, अब फ़ोन ऑफ करके ही इसको निकालना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा है। थोड़ा स्पैटुला से निकाल लूँ, रुकिए कैमरा ऑफ करूँ तभी हो। हाँ ये डाल के तैयार हो गया, अब जरा इसका हाल देख लेते हैं क्या है। खोलूँ पहले ढक्कन, बढ़िया बना है देखे, शॉर्टकट इडली। ज़रा चेक कर लूँ, थोड़ा सा कसर रह गया, हो गया है, थोड़ा सा और होगा दो तीन मिनट, देखिए बहुत अच्छे से बन गया है। तो हो गया ना काम इतनी आसानी से, पूरी की पूरी इडली एक ही बार में। और अभी देखिए ज़्यादा ऊपर तक आया नहीं, मुझे लग रहा है ना ये वाला भी डाल दी होती तो हो जाता एक ही बार में, लेकिन कोई नहीं, अब नहीं डाली हो तो ये सेकेंड टाइम होगा, लेकिन बन गया बढ़िया से। तो बस अब ये वाला भी स्टीम हो जाए, इसके बाद काम ख़त्म हो, और बर्तन बर्तन अब धोऊंगी नहीं, गैस की हालत भी ख़राब हो गई है, अभी कुछ नहीं करूंगी। अब पहले जाऊंगी थोड़ा लेटूंगी क्योंकि ये जो तबीयत है ना, रह रह के ज़्यादा देर खड़ा होने से ही तबीयत ख़राब लगने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो अभी तक तो खैर आया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा रेस्ट ले लेके काम करने से ही बढ़िया है। तो बस ये हो जाए तो आदि को दे दूंगी खाना, दोपहर हो ही चुका है, और यही हम लोगों का डिनर भी हो जाएगा रात को भी। साथ में ना आंटी का बर्तन है तो थोड़ा आंटी के बर्तन में करके दे भी आऊँगी। तो चलिए अब ये सारा काम निपटा लूँ, फिर खाना खाऊँगी, फिर रेस्ट लूँगी, तो कर लूँ ये सब कुछ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ क्या होता है रिज़ल्ट इडली का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला निकाल ली, छोटा वाला डाल दी हूँ स्टीम होने के लिए, और ये बहुत अच्छे से हो गया है देखिए। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा ना तब इसको काटूंगी, और देखिए जैसे जैसे होते जा रहा है ना किनारा अपने आप ही छोड़ रहा है, देखिए ठंडा होते होते
तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ना, मगर देखिए कितने अच्छे से हो गया है। तो बस इसको जैसे चाहें वैसे काट लेंगे शेप में, और ये चटनी और सांभर के साथ खा लेंगे, हो जाएगा। और एक तरीका और आप लोगों को जस्ट आइडिया के लिए बता दूं, क्योंकि रेसिपी तो शूट नहीं की हूँ कुकिंग चैनल के लिए, तो इस तरह से जम गया ना जब, तो आप चाहें तो इसमें भी जैसे हम लोग ढोकला में तड़का लगाते हैं ना, राई, करी पत्ता, हींग, इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सांभर मसाला भी डाल लीजिए। डाल के ये सारी चीज़ों पे तड़का ऐसे फैला दीजिए, उसके बाद चॉप करके आप विदाउट चटनी एंड सांभर भी ऐसे सूखा सूखा खा सकते हैं, जैसे ढोकला खाते हैं ना हम लोग, वैसे टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर दही है, सूजी है, और बहुत अच्छे से देखिए पक गया है, साथ में नमक वगैरह तो डला हुआ है ही, तो अच्छा ही लगेगा टेस्ट खाने में अगर सिर्फ तड़का लगा के भी खाते हैं। तो आसान हो गया ना काम, अभी अगर इडली बनाती एक एक करके बर्तन में डालो, या फिर अगर इडली नहीं बनाती उत्तपम बनाती तो वो भी एक के बाद एक तवा में से एक से एक के टाइम लगता, ऐसे क्या हुआ सब एक साथ हो गया। और जब तक ये सब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ तब तक ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो छोटा बर्तन में, ये और जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब बस बात बहुत करते रहती हूँ, अब ना मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो मैं अब जल्दी से यहाँ से निकलूँ, ये छोटा वाला भी हो जाए, फिर मैं जा के रूम में रेस्ट लूँ। देखिए छुरी भी घुमाने की ज़रूरत नहीं हो रही है, जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ना अपने आप किनारा छोड़ रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, खुद ही निकल जाएगा बहुत इजीली। चलिए ये हो गया शॉर्टकट इडली एक नई रेसिपी ट्राई कर ली, जब टाइम कम हो या तबीयत ख़राब हो तो ये काम किया जा सकता है कि जल्दी से बन जाएगा एक ही बार में, शॉर्टकट इडली मेरी वाली ये देखिए फ्रेंड्स ठंडा भी हो गया और आराम से कटिंग होके देखिए कितना अच्छे से निकल भी रहा है। तो ये प्लेट में थोड़ा सा है रखी हूँ, जाके आंटी को दे के आ रही हूँ सांभर चटनी और ये, और बाकी जो है ये सब हम लोग खाते रहेंगे। तो अब इसको जाके पहले दे के आऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब खाना हम लोगों ने भी अपना सर्व कर लिया है, और तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी थोड़ा सा ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि लो प्रेशर है ना, नहीं खाने से भी मुश्किल है। तो ये देखिए ये इडली का कुछ इस तरह का लुक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए स्पॉन्जी जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और साथ में ये चटनी सांभर एक ही प्लेट में दोनों जने खा लेंगे, क्योंकि बर्तन भी फिर खुद ही धोना रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा कम बर्तन निकलेगा। पेपर प्लेट ख़त्म हो गया है, पेपर प्लेट आज मंगवाऊंगी शाम को, आधी से पेपर प्लेट रहता है तो थोड़ा सा कम बर्तन निकलता है, एटलीस्ट खाने में पेपर प्लेट यूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग जो है आज का यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो छोटा छोटा ब्लॉग ही रखेंगे, और तबीयत को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि कल जो है ना मंडे है, कल आदि का स्कूल तो है ही, साथ में मुझे भी थोड़ा काम से निकलना है, मतलब ब्लॉग के लिए नहीं, मंदिर वगैरह नहीं है, काम से जाऊँगी किसी ऑफिस में भाई के साथ, तो ब्लॉग तो शूट करूँगी ही जाने के समय जो भी हो, तो वो काम से जाना है क्योंकि, तो फिर तबीयत ठीक रहना ज़रूरी है, रास्ते में चक्कर आया तो हो गया, तो इसीलिए आज थोड़ा अब रेस्ट लूँ, ये व्लॉग एडिट कर लूँगी अभी लेटे लेटे, फिर शाम को डालूँगी, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स डालती रहूँगी, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो सोची हूँ कुछ अच्छे अच्छे गानों पे, रोमांटिक जो लव सॉन्ग्स होते हैं उस तरह के गाने पे कुछ शॉर्ट्स डालूँ, जब तक वैलेंटाइंस डे है तब तक, ये कुछ दिनों के लिए देखूँ कितना क्या कर पाती हूँ। चलिए व्लॉग आज का यहीं तक, कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, और संडे है तो आदि भी है घर पे, वो जैसा कि मैं बोली ना आना नहीं चाहता, लेकिन बाय करने के लिए एटलीस्ट उसको बोलूँगी आ जाएगा, लीजिए उससे भी बाय करवा लेते हैं और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं बहुत बदमाश है, एकदम आना नहीं चाहता है वीडियो पे। तो चलिए कल मिलती हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए, कल मिलती हूँ, बाय, हैव अ गुड डे।